में नरेला विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी विश्वास सारंग ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर न्यूज वर्ल्ड संवाददाता कपिल मिश्रा ने विश्वास सारंग से खास बात। कांग्रेस करीब 101 प्रत्याशी भाजपा से विश्वास सारंग जी, उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। आइए जानते हैं किन विकास मुद्दों को लेकर वो नरेला विधानसभा में उतरे हैं इस बार। नरेला विधानसभा में एक एक घर तक हमने विकास की गंगा को बहाया है। नरेला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ एक एक घर में नर्मदा है। हर जगह हमने रोड का निर्माण कराया, हम अपना खुद का ड्रेनेज सिस्टम नालियों का निर्माण करा रहे हैं, हमने कॉलेज बनवाया, दो दो हॉस्पिटल बनवाए, पांच पांच फ्लाईओवर बनवाए, विकास के हर आयाम को हमने छुआ है। बीजेपी की दूसरी 17 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें भोपाल उत्तर और गोविंदपुरा सीट को भी होल्ड किया गया है। क्या माना जाए कि दमदार प्रत्याशी नहीं मिल रहा है इसलिए होल्ड किया गया अभी इन सीटों को? ये सब रणनीति के तहत होता है। भारतीय जनता पार्टी में हर चीज तय कैलेंडर के हिसाब से हो रही है, इसलिए कोई किसी गफलत के कारण कुछ नाम रुके ऐसी बात नहीं है। ये तो विश्वास सारंग जी, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया हुआ है आज और तीसरी बार लगातार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन कृष्णकांत झा के साथ मैं कपिल मिश्रा, न्यूज वर्ल्ड भोपाल। मध्य प्रदेश।